दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने पीसी पे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, आपको ऑडिन नाम का एक सॉफ्टवेयर सैमसंग की ऑफिशियल साइट पे मिल सकता है और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों का लिंक्स मैंने दे रखा है J2 के। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले ऑडिन को इंस्टॉल करके और सैमसंग का USB ड्राइवर डाउनलोड करना होगा। उसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना सैमसंग गैलेक्सी J2 जो आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा आपको। आपको डेवलपर ऑप्शन में OEM अनलॉक करना होगा और USB डिबगिंग अनलॉक करना होगा। आप देख सकते हैं मॉडल नंबर है SMJ200G, इसी को करना होगा। अब सिंपली इसको मैं देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है और इसको मैं पावर ऑफ करता हूँ। अब यहाँ पे आपको पावर बटन, होम बटन और नीचे वाला वॉल्यूम डाउन बटन एक साथ दबाना होगा। यहाँ पे एक वार्निंग देगा, आप इसमें दिखा रहा है वॉल्यूम अप करिए कंटिन्यू करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल वॉल्यूम अप करूँगा और उससे पहले मैं यहाँ पे अपना USB केबल लगा लेता हूँ और उसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे वॉल्यूम अप करते ही डाउनलोडिंग शुरू हो गई। तुम देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, अगर ये OEM ना आ रहा हो तो दोस्तों मैंने USB का ड्राइवर दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे सबसे पहले APP क्लिक करेंगे। APP क्लिक करके TWRP2LTE, ये TWRP का है जिप फाइल, इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं। अब यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऑटो रिबूट पे, इसको ऑफ करना है। और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों ये देख सकते हैं पास हो गया है। और ये देख सकते हैं डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है मेरी। अब दोस्तों मैं यहाँ पे इसको काट सकता हूँ और हमारा ये हो चुका है। तो दोस्तों मैं सिंपली अपनी बैटरी निकालता हूँ आपके सामने और रिकवरी मोड पे जाता हूँ। देख सकते हैं मैंने अपनी बैटरी लगा ली और रिकवरी मोड पे जाने के लिए आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन प्लस होम बटन एक साथ दबाना होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, पावर बटन डाउन बटन, पावर बटन दोस्तों, पावर बटन और होम बटन और वॉल्यूम अप बटन को दोस्तों। अब हमें रिकवरी मोड में जाने के लिए पावर बटन, होम बटन और वॉल्यूम अप बटन एक साथ दबाना होगा। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ बन के आएगा, तो आप समझ जाइए आपका ये रिकवरी मोड ऑन हो गया है। अब इसको स्वाइप कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप मार्शमेलो डाल नहीं सकते। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों अब हमें करना क्या होगा, देख सकते हैं ये
आप फंक्शंस देख सकते हैं, ये G2 का ओरिजिनल है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमारा फ़ोन को अब पावर ऑफ करना है। दोस्तों ये बात का ध्यान रखें, डिस्क्रिप्शन में मार्शमेलो की लिंक दी हुई है, उसी सॉफ्टवेयर को हमें इस पर डालना है। तो फ्लैश करना है, तो अब आपको करना क्या होगा, पावर बटन, होम बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबाना है। और दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपकी चार्जिंग कम हो तो आप चार्जर लगा लीजिए। मैं लगा लेता, एक्चुअली मेरी 15% से भी कम थी। तो ओके, अब यहाँ पे आपको वाइप करना हो, दोस्तों देख सकते हैं डेटा वाइप हो रहा है और यहाँ पे डेटा वाइप सक्सेसफुल लिखा गया। सिंपली यहाँ मैं बैक करूँगा और फिर यहाँ से बैक कर सकता हूँ। अब इंस्टॉल पे आएंगे और हमें वही वाली फाइल सेलेक्ट करनी है जो हमें करनी थी। अब यहाँ पे मैंने SD कार्ड में किया था उसे सेव, और सबसे लास्ट में मार्शमेलो फॉर G2 LTE जिप पे हमें क्लिक करना होगा और यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है। अब यहाँ पे सिंपली स्वाइप करेंगे, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप चिंता ना करें। पर हाँ एक बात का ख्याल रखें, ये सब कुछ आप अपने रिक्स पर करें, इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं। अगर आपका फ़ोन परमानेंटली ब्लॉक हो जाए तो अब यहाँ पे रिबूट सिस्टम पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब ये हमारा फ़ोन रिबूट होगा, सैमसंग गैलेक्सी G2 पावर बाय एंड्रॉयड। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो देख सकते हैं ओके ये ऑन हो रहा है। अब इसमें टाइम लगेगा, तो दोस्तों मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करनी होगी। ओके अब परफेक्ट दिख रहा है। ओके आप पहले का फंक्शन आप पहले जाके देख सकते हैं किस तरह था, ये काफ़ी चेंज हो गया है। ये एक्चुअली ये देख सकते हैं, ये सब भी नहीं था। और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे वीडियो कॉल का ऑप्शन भी नहीं था। मतलब इससे साफ पता चलता है कि हाँ आपका फ़ोन ओके। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, कैंसिल ओके अबाउट डिवाइस ओके। तो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, ये जो चीज़ें नई थी वो भी आ गई हैं। और दोस्तों इसके बाद वाली न्यूज़, तो इसके बाद वाली खबर आप सुनेंगे तो क्या होगा, आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद में आईफोन का रोम डालने वाला है उसमें। हाँ दोस्तों ये काफ़ी तेज़ चल रहा है, मैंने मतलब इसके ओरिजिनल से तो बहुत ही तेज़ चल रहा है, मैंने अभी देखा, आप खुद देख सकते हैं काफ़ी फास्ट काम कर रहा है, बिना मैंने वीडियो स्किप भी नहीं कर रखा है, ये आप देख सकते हैं। ओके सो डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें हैं और मैंने आपको लाइन बाय लाइन, चाहे कैमरे का देख सकते हैं, ये देखिए कितना फास्ट है खुल रहा है। ओके ओके सो ये कैमरा मेरा ओके, फोकस भी बड़ा तेज करता है ये। ओके
क्या बात है। तो दोस्तों अगर वीडियो तो अच्छी लगी होगी उम्मीद है पेड़ मैक्स। तो दोस्तों इसको मैं लॉक कर देता हूँ। ओके ये लॉक भी अब अलग तरह से खुल रहा है, मैंने दिखाया था आपको। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।